वेलकम टू विजन आईएएस एकेडमी। मैं गुरुजी, स्वागत है आप लोगों का विजन आईएएस एकेडमी पे। आज हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू करेंगे। एमपीपीएससी एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी संख्या लगभग 12 से 13 रहती है। पहला क्वेश्चन लोएस्ट का पठार। रियल में लोएस्ट जो होता है वो मरुस्थलीय स्थलाकृति होती है जो उसकी डिपोजिट से बनती है। ये स्थित है चाइना में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो वोल्केनो रहते हैं उससे रिलेटेड भी एक आधा एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा डेफिनेटली आता है। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो है किलायु। ये सबसे ऊंचे के बारे में नहीं पूछ रहा, सर्वाधिक सक्रिय है वो किलायु है। एटमोस्फियर में सबसे ज़्यादा ओजोन जो है उसका सेंट्रलाइजेशन किस जगह है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओजोन का जो सर्वाधिक सेंट्रलाइजेशन है वो है स्ट्रेटोस्फीयर में या संताप मंडल में। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, तो ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल जो है वो मौसमी परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। भारत का प्रामाणिक समय IST जो है वो किस स्थान से निश्चित है, तो ये निश्चित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नैनी इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, क्योंकि ये उस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एरेबस। ये एरेबस स्थित है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन अरल सागर झील, ये क्वेश्चन PSC में आ चुका है। अरल सागर झील जो है किस देश में स्थित है, अरल सागर जो झील है वो स्थित है कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, ये क्वेश्चन RS में आया हुआ है और SSC में आया हुआ है। कैस्पियन सागर की सीमा इनमें से किस देश से नहीं लगती है, तो कैस्पियन सागर आर्मेनिया से नहीं लगता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल कहलाता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन, रसायन मंडल या केमिकल जोन कहलाता है, तो जो केमिकल जोन है वो कहलाता है ओजोन लेयर।